हेलो एडवांस, सो दिस इज फिजिक्स क्वेश्चन। सो 139 में देखो क्या है। एक स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, रेडिएट कर रहा है 450 वाट ऑफ पावर 500 केल्विन पे, टेम्परेचर इतना है, एंड रेडियस वेयर हाफ एंड टेम्परेचर वेयर डबल द पावर रेडिएटेड इन वॉट वुड बी, राइट। तो हमें क्या बताना है, पहले तो देखो एक ये बनाते हैं, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी बनाओ जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, ओके। एंड नाउ अब क्या कर रहा है, ये पावर रेडिएट करता है, सो पावर रेडिएट करता है कितना, 450 वॉट क्या हो जाएगा, इवन पावर रेडिएट करता है 450 वॉट, एंड आपका रेडियस R1 तो दिया है 12 सेंटीमीटर। एंड अगर इसे बोला गया कि हमने इसको क्या किया, हमने इसको रिड्यूस कर दिया, इसके रेडियस को हाफ कर दिया, तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो अगर हम रेडियस को हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, R2 6 सेंटीमीटर हो गया। एंड आपका पावर कितना हो गया, हमें बताना है E2, राइट। E2 हमें फाइंड करना है, एंड हमें पता है कि जो ब्लैक बॉडी का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लो, क्योंकि 4-5 बार यहाँ से ही क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, तो ये फॉर्मूला तो बिल्कुल मस्ट है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिग्मा ए टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखो हमें ए से मतलब है, टी से मतलब है, ये दोनों कॉन्स्टेंट हो जाएगा। सो देखो T4 अगर हम E1 बाई E2 करते हैं तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ए टी टू द पावर 4, A1 T1 टू द पावर 4, A2 टी टू द पावर 4। एंड इससे हमने पता किया था कि A1 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो हम पाई आर स्क्वायर की जगह पे R1 स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इंटू T1 टू द पावर 4 T टू द पावर 4, ये कर सकते हैं। R1 कितना है 12, अब अभी हमारे सेंटीमीटर में दिया है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.12 का होल स्क्वायर इंटू कितना दिया है, 500 टू द पावर होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, हमने रेडियस को हाफ कर दिया था तो क्या होगा, 0.06 टू द पावर स्क्वायर इंटू ये कितना है, 1000 टू द पावर 4, ओके। सो देखो 500 केल्विन था एंड ये 1000, ये इतना 1000 केल्विन है क्योंकि हमने टेम्परेचर को डबल कर दिया था, तो 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 के अराउंड आएगा। तो देखो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आता है, तो अगर हम यहाँ से E1 बाई E2 विच इज इक्वल टू दिस, ये पूरा स्ट्रक्चर, तो 0.012 का होल स्क्वायर इंटू 500 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.06 का होल स्क्वायर इंटू 1000 टू द पावर 4। नाउ अब क्या करो, अभी हमें एक चीज़ पता है, हमें E2 नहीं पता, लेकिन हमें E1 तो पता ही है, ओके। तो हम अगर इसको E2 को इधर लेके जाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा, E1 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 0.06 का होल स्क्वायर इंटू 1000 का टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 0.12 का होल स्क्वायर इंटू 500 टू द पावर 4, राइट। अब देखो ये कट जाएगा, इससे कट जाता है, तो अगर हम इन दोनों को करें तो 0000 5 to 10 कट गया एंड यहाँ से भी 6 to 12 कट जाएगा, कितना आएगा आंसर, देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो E2 कितना आ जाएगा, आपका 1800 वॉट के अराउंड आ जाएगा, आप चेक कर लेना एक बार। सो दिस आंसर, तो देखा आपने बिल्कुल ये सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड था, एंड आप अगर फॉर्मूलेज अगर आपको याद होते तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते थे, राइट। सो थैंक यू।